हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अपनी जगह पे बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए आज हम देखते हैं कुछ नए वर्ड्स, कुछ नई चीज़ें जो शायद आपको आपके पेपर में बहुत हेल्प करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि ये एक 15 मिनट का सेशन जो कि आपके पेपर में डायरेक्टली पूछा जाएगा, तो आपको पेपर क्रैक करने में बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट वर्ड देखते हैं हम कि ये फर्स्ट वर्ड क्या बोलना चाह रहा है। देखिएगा, बोल रहा है बी काम, बी काम। ये बी काम वो वाला, ये बी कॉम वाला बी काम नहीं है। एक होता है बी कॉम, है ना, वो होती है आपकी ग्रेजुएशन जो एक पार्ट होता है किसी भी टाइप का जो 12th के बाद किया जाता है। दैट इज बी कॉम एंड दिस इज बी काम। काम का मतलब होता है शांत। आपको पता है, मैं बोलूं कि जस्ट बी कूल एंड काम, तो इसका मतलब हो जाता है शांत। जो चीज़ शांत होगी, जो मैसअप में नहीं होगी, नॉर्मल अपनी लाइफ को सर्वाइव करते रहेंगे, वो होती है हमारी काम। और हम उसको बोलते हैं कि हम एक कामनेस में हैं। ठीक है, मतलब एक हम शांत एरिया में हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, बोल रहा है बी काम, बी कॉम। काम का मतलब है कि अब वो शांत नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। जब हमारा ब्रेन शांत होता है तो हम बहुत ज़्यादा सटीक चीज़ें कर पाते हैं ना। हम ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें फोकस्ड रखते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। लेकिन जब हम बी काम ढोंगे, उसका मतलब होगा कि हम किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, हम वो चीज़ कामली नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका बी काम। एक काम होता है जो शांत होता है, एक होता है बी काम जो जब आप चीज़ों में मेस्ड अप रहेंगे, जब आप चीज़ों में फंसे रहेंगे, तो वो हो जाएगा बी काम। तो हम इसको ऐसे याद करेंगे कि काम होता है शांत और बी काम होता है मेस्ड अप, जब हम किसी चीज में फंसे होते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ओल्ड वर्ड है और कनेक्टिंग भी इजी है, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। दैट इज मिराज। मिराज का मतलब होता है, आप देखना, एक ऐसे टाइप का डाउट या फिर ऐसी ब्लरनेस, ब्लर बोल सकते हैं इसको। जैसे मैं बोलूँ ना कि यार आज बहुत क्लाउडी हो रहा है, तो मुझे बहुत ब्लर दिख रहा है। ब्लर का मतलब कि क्लियर विजन ना होना, ठीक है ना। ब्लर का मतलब है धुंधला होना, और वो कब होता है, जब हमारे आंखों के सामने जो हमारी वो है विजनरी थिंग्स, वो पर्टिकुलरली जो चीज हम देखना चाहते हैं वो हम देख नहीं पाते, तो उसको हम बोलते हैं कि हमें बहुत ज्यादा हो रही है ब्लरनेस। तो जब हम मिराज की बात करेंगे, वो आपको बताएगा कि वो ब्लरनेस की बात कर रहा है। कोई भी ऐसी चीज जो आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है, वो ब्लर है, और उसको बोलेंगे हम ब्लरनेस। ओल्ड वर्ड है, कई बार पूछा गया है, दोनों ओल्ड वर्ड ही थे, ज्यादा इसमें प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। स्क्रूटनी और एनमिटी दोनों ही पुराने वर्ड्स हैं। देखते हैं, देखो मैंने आपको बताया था, स्क्रूटनी का तो मतलब ही होता है कि जब आप पर्टिकुलर, जैसे सपोज करिए आपने कोई काम किया है ना, सामने वाला उस काम को देखना चाह रहा है और दोबारा से वो काम को आपको बोल रहा है कि वो फाइल मुझे खोल के दिखाओ और मैं पूरा डेप्थ में थोरोली उसको देखूंगा, मतलब शुरुआत से लेके एंड तक देखूंगा। जब आप दोबारा कोई चीज़ को ओपन करवाते हैं और फिर उसको डेप्थ में चेक करते हैं, तो वो होता है आपका स्क्रूटनी। जैसे कि जब हमारा पेपर होता है 10th 12th का, या फिर कोई भी पेपर ले लीजिए, तो जब हमें लगता है कि हमारे 90 मार्क्स आने चाहिए बट हमारे आते हैं 50, तो हम क्या करते हैं कि एक डालते हैं स्क्रूटनी, कि अब हमारी कॉपी जो है वो दोबारा से ओपन हो, दोबारा से चेक हो, तब हमें बताया जाए प्रूफ के साथ कि हमने गलती कहाँ की थी। जब आप कन्फर्म्ड होते हैं कि हाँ हमारे इतने नंबर आने चाहिए बट इतने नहीं आते, तो उसको जो हम दोबारा से रीचेकिंग, यस, इसका एक पर्टिकुलर वर्ड हो सकता है रीचेकिंग। रीचेक जब हम करते हैं किसी चीज को, उसको बोलते हैं हम स्क्रूटनी, और तब वो डेप्थ में होता है, मतलब शुरुआत से लेके आखिर तक पहुंचेगा वो, तब जाके उसको हम बोलेंगे स्क्रूटनी किसी भी चीज की हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहा है एनमिटी। एनिमी शत्रु होता है, ठीक है, एनमिटी होती है किसी के साथ जो हमारा शत्रु हो, पर्टिकुलरली हम फाइट करें, हमारे डिस्प्यूट हो, तो उसको बोलेंगे हम एनमिटी, शत्रुता जिसको बोलते हैं हम किसी भी पर्टिकुलर एनिमी के साथ जो आपकी कोई भी फाइट चलती रहती है, उसको हम बोलते हैं एनमिटी। चारों के चारों वर्ड्स आपके पुराने वर्ड्स थे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ओल्ड वर्ड है तो बहुत बार पूछे गए हैं और आपको आते भी हैं। तो ये जो आपका सेशन था, ये सेशन बहुत ईजी रहा है क्योंकि इसमें कोई आपको नया वर्ड नहीं मिला है। बट याद रखिएगा कि नेक्स्ट भी बहुत सारे आएंगे सेशंस, तो उसमें आपके शायद न्यू वर्ड्स आ जाएंगे। बहुत सारे बच्चों के लिए ये वाले वर्ड भी नए वर्ड होंगे क्योंकि उन्होंने ये देखे सुने नहीं होंगे, और कई बार पूछे गए तो आने के तो अच्छा बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें बोलना चाह रहा है
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आई गेस, चेक कर लेते हैं. यस सेम ही बोल रहा है, टू सिक्योर है बोट. मतलब ये पर्टिकुलर एक ऐसी चीज जैसे होता है ना, कोई भी चीज हमने लगा दी और उसमें हमने कोई भी चीज बांध दी, कोई भी पोल डाला, पोल में हमने कोई भी रस्सी डाली, रस्सी से हमने कोई भी चीज डाल दी, ये उसकी बात कर रहा है. बोल रहा है कोई भी बोट जो हमने बांध दी है किसी डंडे से, पोल से, पोल होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं मूर. मूर मतलब कोई भी दलदल टाइप चीज जिसमें हमने क्या किया है कि हमने अपनी बोट को, इसने तो बोट लिया है बट हम कोई भी चीज बांध सकते हैं. जब हम कोई भी चीज को बांधेंगे किसी पर्टिकुलर पोल से तो उसको हम बोलेंगे दलदल. जब मतलब पर्टिकुलरली कहीं पर ऐसी चीज होगी जहां पर आप जा रहे हैं और आप फंस रहे हैं और वहां पर आपने कोई भी चीज बांध दी किसी चीज से, तो वो हो जाएगी आपकी मूर. MOOR, मून नहीं मूर, ठीक है. उसके बाद है कि जब हम खाना बनाते हैं तो जो हमारा थोड़ा थोड़ा खाना जो जल जाता है ना, खाना जब जलता है थोड़ी स्मेल आती है, तो जो खाना जलने की जो वर्ड है उसको बोलते हैं हम पैरबॉयल, ठीक है. पैरबॉयल, जब खाना जल जाए तो हम उसको बोलेंगे पैरबॉयल. जैसे कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जिसमें हम कोई भी चीज़ बना ले बट कभी ना कभी ऐसा होता है कि वो नीचे लग ही जाते हैं, तो हम कौन से वाले यूज करते हैं यूटेंसिल्स, पता है कौन से वाले? नॉन स्टिकी, जो स्टिक ना हो, मतलब जो फंसे ना, जो जमे ना, जो लगे ना, उसको बोलते हैं हम, ठीक है ना. तो पैर बॉयल तब होगा जब आप कोई ऐसा बर्तन लेंगे जिसमें कि जलने के चांसेस ज्यादा होंगे. तो जब आपके कोई भी खाना थोड़ा बहुत जब आप पकाते हैं अगर वो जल जाता है तो उसको हम बोलेंगे पैर बॉयल. अब देखो ये दोनों वर्ड्स काफी बार सुने गए हैं, बोले गए हैं. दैट इज कमेंडेबल. कमेंडेबल का मतलब होता है कि बहुत अच्छी कोई भी चीज होना. जैसे सपोज करो कि मैं बोलूं कि आप अपनी जो जॉब कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा कमेंडेबल है, मतलब मैं आपकी प्रेज कर रही हूँ बहुत ज्यादा, ठीक है. तो कमेंडेबल में देखो डबल एल आने के चांसेस नहीं होते, डबल एल आने के चांसेस नहीं होते, एक सिंगल एल आ रहा है, एम आ रहा है तो एक और आएगा, इसलिए सेवन का ए बिल्कुल सही होगा. कमेंडेबल जॉब होता है, जैसे होता है ना कॉमेंट्स, कॉमेंट COMMENTS होता है, तो ये भी तो वही है. ये है यहाँ से कॉमेंट और ये बोल रहा है डेबल, बस तो टी की जगह DABLE आ गया, बस और कुछ नहीं हुआ, ठीक है. प्रेजवर्थी, देखो प्रेजवर्थी का मतलब है जैसे मैं बोलूँ कि ये एक प्रेजवर्थी टास्क है कि आपने एक ऐसा काम किया है इसमें आपको प्रेज मिलनी ही मिलनी चाहिए. देखो वर्थी, आपको पता है आपकी वर्थ है. जैसे आप सपोज करो मुझे बोलो कि, या फिर किसी को बोलो कि मैं बहुत वर्थफुल इंसान हूँ, मतलब मेरी वैल्यू है, तो वर्थ में होता है ओ, ओ और ओ, मतलब एक नहीं था इसलिए मैंने एक काट दिया. उसके बाद प्रेज में आपको पता है यहाँ पर ई आना चाहिए, ये भी कट गया, डबल एस नहीं आता, बचा कौन सा, बी वाला. ये सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो देखने के 2 सेकंड में ही आपको आंसर मिल जाएगा. अगर आप फोकस्ड हैं और आपने सारे क्लासेस लिए होंगे तो यही मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में मिल जाएंगे. अगर आप ये क्वेश्चंस डायरेक्टली अपने पेपर में बिना टाइम वेस्ट किए करना चाहते हैं तो ये वाले सेशन को कभी भी स्किप नहीं करना, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट आपको बोल रहा है इडम एंड फ्रेज, आपको बोल रहा है करी फेवर और कर्व बॉल. देखो करी फेवर में क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है इफ पीपल ट्राई टू करी फेवर दे ट्राई टू गेट टू सपोर्ट देम. करी फेवर का मतलब है कि जैसे सपोज करिए कि आप ही का कोई कुलीग है या फिर आप ही का कोई फ्रेंड है, उसको आप क्या कर रहे हो कि किसी भी टाइप में सपोर्ट कर रहे हो, फिनेंशियली आपका, फिजिकली आपका, आपका मेंटली, कैसे भी अगर आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज करी फेवर, कि आप उसको फेवर कर रहे हैं हर एक टाइप से. ये जो करी है इसका मतलब है हर एक टाइप से, तो हर एक टाइप से जब आप किसी को फेवर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम करी फेवर. वैसे भी आपको नाम बता ही रहा है, फेवर का मतलब है आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, करी का मतलब हो गया कि आप हर एक टाइप से, हर एक वे में उसको सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज करी फेवर. ठीक है, नेक्स्ट देखो कर्व बॉल बोल रहा है इफ समथिंग इज अ कर्व बॉल इट इज डिसेप्टिव. मतलब ये बोलना चाह रहा है कर्व बॉल कि बॉल जो होती है वो कर्वी तो कभी नहीं होती है ना, घुमा फिरा के जब कोई चीजें आपके पास पहुंचेंगी तो आप उसको क्या बोलोगे, कर्व बॉल, कि जो बॉल होती है वो हमेशा राउंड शेप की होती है, कर्वी नहीं होती. कर्वी ऐसे होता है, ये कर्व होता है ना, कर्व, कर्व टाइप का. बॉल जो होगी वो राउंड होगी, मतलब जो आप गेस कर रहे हैं वो शायद गलत है, जितना भी आप गेस कर पा रहे हैं वो शायद गलत है, उसकी रियलिटी कुछ और है, तो उसका मतलब हो जाएगा आपका कर्व बॉल.
ये था आपका आज का सेशन, और आई होप कि ये वाला सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बहुत ईजी था, सारे पुराने वर्ड्स थे। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके लिए ये भी नया होगा, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको जो मैं ओल्ड वर्ड लिखती हूँ वो आपके लिए नए हैं, तो आपको उनको भी फोकस तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है सेशन लीजिए और अपने आप की हेल्प करिए, क्योंकि आप ही सबसे ज़्यादा अपने आप की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।